सबसे पहले जो आज का टॉपिक है वो है एंगुलर एसएचएम। अब ये क्या है? तो जो एसएचएम हम क्या कर रहे थे वो क्या है? वो लीनियर एसएचएम है। क्यों? क्योंकि इस पे डिस्प्लेसमेंट लीनियर है, एक्सेलेरेशन भी लीनियर है। हम एंगुलर एसएचएम बोल रहे हैं। तो जब भी वर्ड फिजिक्स में एंगुलर आता है, इसका मतलब बॉडी इज मूविंग इन सर्कुलर मोशन। तो ऐसे केस में हम ए की जगह क्या यूज करते हैं? एल्फा। वाई की जगह क्या यूज करते हैं? थीटा। तो इसको बॉक्स में डालो, दिस इज एन इक्वेशन फॉर एंगुलर एसएचएम। ठीक है यहां तक? तो लीनियर एसएचएम की वो इक्वेशन है, ए इज माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। एंगुलर एसएचएम की ये इक्वेशन है। एंगुलर एसएचएम में हम इसमें रोटेशनल मोशन या सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। लीनियर एसएचएम में क्या ढूंढा करते थे? रिस्टोरिंग फोर्स। एंगुलर में क्या ढूंढेंगे? रिस्टोरिंग टॉर्क। जो काम फोर्स करता है एंगुलर में, रोटेशन में कौन करता है? टॉर्क करता है। तो रिस्टोरिंग फोर्स की जगह रिस्टोरिंग टॉर्क। अब मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूं कैसे। जैसे ये एक पेंडुलम है, हमने पेंडुलम का टाइम पीरियड लीनियर एसएचएम से निकाला था। एनसीआरटी में डेरिवेशन थी टी इज इक्वल टू 2π√L/g। हमने सारे एसएचएम जितने भी किए वो लीनियर ही किए, हमने एंगुलर तो यूज ही नहीं किया अभी तक। तो मैंने कैसे करवाया था, एक बार रिवाइज करवा रहा हूं। मैंने कहा था ये पेंडुलम है जिसका मास है एम जी, वेट है एम जी, थीटा थीटा इसके दो कॉम्पोनेंट्स हैं। तो कौन सा कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स इसको वापस लेके आ रहा है? एम जी साइन थीटा। तो ये क्या कहलाएगी? रिस्टोरिंग फोर्स। तो एंगल बहुत छोटे बताया था मैंने पेंडुलम में लास्ट लेक्चर में, तो साइन थीटा की जगह थीटा, फोर्स की जगह एम ए। और एंगल थीटा इज आर्क अपॉन रेडियस। आर्क क्या है? वाई। रेडियस क्या है? एल। तो थीटा की जगह वाई बाय एल। तो क्या आ गई? एक्सेलरेशन। फिर हमने एक्सेलरेशन लीनियर एसएचएम के साथ कंपेयर किया, कंपेयर करके क्या आया? ओमेगा। ओमेगा क्या है? 2π/T। वहां से टाइम पीरियड आया, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हमने ये पूरा एसएचएम किसके साथ किया? लीनियर एसएचएम। अब एक स्टूडेंट है वो कहता है देखो मैं ऐसे देखता ही नहीं, मैं ऐसा मानता हूं कि पेंडुलम का घूमना इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कुलर मोशन। भाई एंगुलर मोशन भी तो हो सकती है, हमने किया एंगुलर मोशंस। तो बिल्कुल सही है। तो मैंने कहा कैसे करेगा? वो कहते हैं काम करो, पेंडुलम मान लो थीटा एंगल यहां चला गया, जब ये रोटेट करेगा इसका एक्सिस कहां से पास करेगा? ओ से। यहां से हमने बांध दिया तो ये इसका एक्सिस होगा। इसका वेट क्या है? एम जी। अगर ये एम जी, ये एल, ये थीटा, तो राइट एंगल ट्राइंगल से ये डिस्टेंस कितना है? एल साइन थीटा। तो इसके अंदर अगर मैं एंगुलर एसएचएम लेके आता हूं तो इसमें क्या ढूंढनी पड़ेगी? रिस्टोरिंग टॉर्क। और रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होता था याद करो, रोटेशनल फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। फोर्स क्या है? एम जी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? एल साइन थीटा। तो बोलो टॉर्क रिस्टोरिंग क्या है? माइनस एम जी इनटू एल साइन थीटा। एंगल क्योंकि छोटे हैं तो साइन थीटा कैन बी रिटन एज थीटा। ठीक हो गया। अब टॉर्क होता क्या था रोटेशनल मोशन में? आई इंटू एल्फा। टॉर्क इज आई एल्फा। अब आई क्या है? मोमेंट ऑफ एनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉइंट मास का क्या होता है? अगर ये एक्सिस है एम आर स्क्वायर, लेकिन रेडियस यहां पर क्या है? एल। तो आई की जगह क्या पुट करेंगे? एम एल स्क्वायर। तो यहां से एम से एम कैंसल, एल से एल कैंसल, एल्फा। तो ये एल्फा आ गया। लेकिन अब एल्फा प्रोपोर्शनल टू थीटा विद नेगेटिव साइन, तो ये बॉडी किस में घूम रही है? इन एंगुलर एस एच एम। एंगुलर एस एच एम की इक्वेशन लिखें, कंपेयर करें ओमेगा 2π/T, आंसर तो सेम ही आना है। आप कहोगे फिर ऐसे क्यों करें, हम वैसे क्यों नहीं करें? जिसे मर्जी करो, पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एंगुलर एसएचएम से करने पड़ेंगे। अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कैसे, पर ये समझ में आया कि क्या करना है, फिर करते हैं। सपोज करो आपको इस बार एक पेंडुलम गिवन है जिसमें दो दो मासेस हैं। ये एल वन है, एल वन पे एम वन मास है और एल टू पे एम टू मास है। तो ये ऑसिलेट कर रहा है, तो इसका टाइम पीरियड निकाल लो। तो क्या करेंगे? इसके फोर्स से करेंगे तो बहुत लंबा है, टॉर्स से करते हैं। ये इसका एक्सिस है, इसका वेट m1g, इसका वेट m2g। अगर ये l1 तो ये डिस्टेंस l1 साइन थीटा, अगर ये l2 तो ये डिस्टेंस l2 साइन थीटा। तो इसका टॉर्क क्या होगा? m1g into l1 साइन थीटा। इसका टॉर्क क्या होगा? m2g into l2 साइन थीटा। क्या ये स्टेप क्लियर है? यहां पर विद नेगेटिव साइन दोनों का टॉर्क आ गया। एंगल स्मॉल है तो साइन थीटा की जगह दोनों जगह थीटा। टॉर्क क्या होता है? आई अल्फा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? पहला मास इज अ पॉइंट मास, तो इसका मोमेंट इनर्शिया क्या होगा? एम वन इंटू एल वन स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। इसका क्या होगा? एम टू इंटू एल टू स्क्वायर। तो
आई की जगह एम वन एल वन स्क्वायर और एम टू एल टू स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एल्फा आ गया, ये सब कॉन्स्टेंट है। तो एल्फा प्रोपोर्शनल टू थीटा पे नेगेटिव साइन, एंगुलर एस एच एम की इक्वेशन लिखो, ये पूरा का पूरा कंपेयर करके क्या आएगा, ओमेगा का स्क्वायर, उससे क्या आएगा ओमेगा, ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाय टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके टाइम पीरियड। तो एक सेकंड में आ गया आपके सामने क्वेश्चन। तो ये भी अच्छी टेक्निक है एंगुलर एस एच एम, तो कहाँ यूज करेगी करेंगे इसे, तो हम टाइम के साथ देख लेंगे, हमें पता लग जाएगा कब कब यूज करना है। ठीक, अब कई बार क्वेश्चन अगर आ जाए कि मान लो इसमें दो दो लेंथ है पेंडुलम की, इसकी इक्विवेलेंट लेंथ बोलो क्या होगी, L1 L2 की जगह अगर एक पेंडुलम लगाना हो जिसकी लेंथ L है, वो L क्या होगा। अब वैसे अगर एक लेंथ लगानी है तो ये टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम है, इसको इससे कंपेयर कर लो, जी जी छोड़ दो, बाकी जो बचा पूरे का पूरा कंपेयर करके क्या जाएगा L, तो इसकी इक्विवेलेंट लेंथ है। हालांकि इक्विवेलेंट लेंथ पे क्वेश्चन नहीं आते, टाइम पीरियड तक क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है यहां तक? जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिकल पेंडुलम,